comme chanter. बाइबल में और कुरान में एक कहानी का वर्णन है, द सेवन मेन ऑफ केव्स। वो इतिहास का वो दौर है कि जब ईसाई धर्म की स्थापना हुई और उसके बाद उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। जो जो क्राइस्ट को फॉलो करने वाले थे उनको पकड़ पकड़ कर सूली पर चढ़ाया जा रहा था। तो उसमें से ऐसे 7 लोग थे, कुरान में भी इसका वर्णन है और बाइबल में भी वर्णन है, द सेवन मैन ऑफ केव्स। तो ऐसे 7 लोग थे जो विद्रोही बने, जिन्होंने बहुत विरोध किया शासन का, और आखिरकार बचते बचते भागते भागते एक गुफा में घुस गए, और वो इतने थक गए थे कि उनको नींद आ गई। कुरान में लिखा है उनके साथ एक कुत्ता भी था और वो लोग सो गए, और जब उठे सुबह तो देखा सब कुछ बदल गया है। तो देखा कि जिस गुफा में वो सो रहे थे वो गुफा का दरवाजा बंद हो गया है, वहां मकड़ियों का जाल है। उनको समझ भी नहीं आया ये क्या हो गया। फिर वो बाहर निकले क्योंकि उनको डर था, क्योंकि जो भी क्राइस्ट को फॉलो करने वाला था उनको शासन पकड़ता था, उनको प्रताड़ित करता था। तो वो बहुत डर डर के बाहर ना निकले। तो उन्होंने देखा बाहर सब कुछ बदला हुआ है, और उनमें से एक जो होता है मुख्य, वो कहता है मैं थोड़ा गांव में जाके कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। और वो जब जाता है आश्चर्यचकित हो जाता है, वहाँ बड़े बड़े चर्च है और वहाँ पर क्राइस्ट की प्रतिमा लगी हुई है। उसे समझ नहीं आता है ये क्या हो रहा है। वो एक दुकान पर जाता है, वहाँ से कुछ खरीदता है खाने की वस्तु और एक सिक्का देता है। वो सिक्का देखते ही वो दुकानदार को शक होता है, ये कौन सा सिक्का है, ये तो कई सदियों पुराना सिक्का है, ये ज़रूर कोई चोर होगा। फिर वो और कहीं जाता है, और ऐसे करते करते बात वहाँ का जो शासक होता है वहाँ तक पहुँचती है। वो उसे बुलाते हैं और वो सिक्का देख के बोलता है ये सिक्का कौन सा है, ये तो कई सदियों पहले का सिक्का है। उसे आश्चर्यचकित होता है ये सब क्या हो गया है। और धीरे धीरे पता चलता है वो लोग जो उस गुफा में थे उस एक रात में ही 300 वर्ष बीत गए। तब तक पूरा सत्ता पलट हो गई थी, शासन पलट हो गया था, और तब तक सब जगह क्रिश्चियनिटी एक्सेप्टेड फॉर्म में थी। और उसमें वो भी दिखाया है, फिर वो अपने पर पोते से मिलता है जो भी बूढ़ा हो गया है, और वो उसी घर में जाता है जहां वो रहता था। तब तक सब कुछ खत्म हो गया है, उसकी पत्नी कुछ नहीं रहा। तो उस कहानी में ये दिखाया है कि वो एक ही रात में ये खुदा का मौजज़ा या करिश्मा था कि वो लोग सो गए और जब उठे तो 300 वर्ष हो गए थे। ये कहानी मुझे अभी अभी याद आई यहाँ बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि लगभग पिछले 300 दिनों से हमने कुछ भी नहीं बोला, कोई क्लास नहीं, कोई कुछ नहीं। जो 28 अप्रैल लास्ट जो भट्टी मधुबन में एक चली थी, उसके बाद में ऐसा लगा कि बस अब चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलना है। ऐसी एक स्ट्रॉन्ग प्रेरणा आई कि कुछ बोलना ही नहीं है अभी। इसको हम एक शब्द देते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं सिप्स, SIPS, सेल्फ इम्पोज्ड पब्लिक साइलेंस, जिसमें व्यक्ति अपने सारे काम करता है, दिन भर बोलते रहता है, पर
पर पब्लिक के सामने नहीं आता है। और हमें लगता है कई बार इस मौन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने में हमारी बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम सेवार्थ बोले, वो बहुत सारी बातें हैं उसमें, परंतु फिर भी जब जब मौन का अभ्यास होता है, आत्मा की कुछ अद्भुत शक्तियाँ जागृत होती है। तो आज अचानक का ये पाठ कहेंगे कि हम यहाँ आए, और वैसे तो दीदी ने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया, बड़ी सेवार्थ आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर। वैसे हम एक एग्ज़ाम दे रहे हैं मेडिकल की, उसके लिए आ रहे हैं, जो कि कल है तो लौकिक एग्ज़ाम, परंतु लक्ष्य अलौकिक है और बहुत ऊंचा है, और हमारे लिए हम ये कहेंगे कि एक मेडिकल रिबर्थ हुआ है, पुनर्जन्म, मेडिकल रिबर्थ। मधुबन आने से पहले हम यहाँ मुंबई में थे, कई सारे हॉस्पिटल्स में काम किया, फिर मधुबन चले गए 10-10-10 2010 अक्टूबर, और तब से लेकर फिर वहाँ पर हॉस्पिटल की सेवाएं, और फिर अचानक एक नया पार्ट चालू हो गया। हमारे डॉक्टर प्रताप सर ने कहा कि वहाँ कुछ पेशेंट्स आए हैं गांव के 2013 में, तुम जाकर उनको कुछ सुनाओ डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में। हमने कहा हमें तो नहीं आता है बोलना, हम क्या सुनाएंगे, और वो हिंदी में, तो नहीं ट्राई करो, कुछ नहीं होता है। और वहाँ से बोलने की यात्रा चालू हुई, पर वो यात्रा ऐसी रही 10 साल नॉन स्टॉप, जो ऐसे कि कोई एक शक्ति थी जो काम कर रही थी, कभी एक दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अलग अलग जगह, अलग अलग ऑडियंस, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, और ये सब होते होते अचानक जैसे कहा कि एक दिन लगा कि अभी चुप हो जाना है। द ग्रेटेस्ट पावर, द हाईएस्ट साइलेंस, और इस ब्राह्मण जीवन में भी बीच बीच में अंतर्मुखी होना है। आज सुबह की साकार मुरली, बुद्धि को क्या नहीं करो, धक्का नहीं लगाओ, क्या हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, और बाप को याद करो। याद एक मौन क्रांति है, इसका बाहर की किसी चीज से कोई संबंध नहीं है, ना ट्रांसलेट से संबंध है, ना किसी चित्र से संबंध है, ना किसी गीत से, ना किसी संगीत से, ना किसी सॉफ्ट लाइट से, ना किसी स्थान से, ना मधुबन से। ये मन की यात्रा है, आंतरिक यात्रा है, सूक्ष्म यात्रा है, गुप्त यात्रा है, गुप्त गामिनी है। और पिछले 1 तारीख से इस महीने के हमने बैठकर मेडिकल की स्टडी की, वो सारा रिवाइज किया जो कि बहुत पहले, जैसे स्टूडेंट लाइफ में, MBBS में, PG में स्टडी करते हैं लोग, वो सारे सब्जेक्ट्स, और ये करते करते एक अलौकिक अनुभव हो गया, और वो ऐसा
कि जितनी मेहनत कोई एक स्टूडेंट लौकिक पढ़ाई के लिए करता है, लाइब्रेरी में बैठ के 8-8, 10-10, 16-16 घंटे नॉन स्टॉप, अगर वैसी पढ़ाई हम अलौकिक पढ़ाई करें तो क्या होगा? अगर ऐसा अध्ययन हम मुरलियों का करें तो हमारी स्थिति क्या होगी? क्योंकि हम हमारे जीवन में जो भी अंधकार है और जो भी दुख है उसका एक ही कारण है, ज्ञान की कमी। उस समय ज्ञान विस्मृत हो जाता है, अंधकार सा छा जाता है, समझ नहीं आता है करना क्या है क्या नहीं करना है। योग तो बहुत बात की बात है परंतु समझता ही नहीं। बुद्धि में ज्ञान तो है, सुबह मुरली सुनी है, पढ़ी है, पढ़ाई है, दूसरों को सुनाई है, उस पर क्लास भी कराया है, परंतु जीवन में परिस्थिति है सामने एकदम, उसमें क्या करना और कौन सी पॉइंट अप्लाई करना ये नहीं समझ आता है, क्योंकि हमारी पढ़ाई अभी बहुत कम है। और हमने पिछले एक मास में ये अनुभव किया कि जैसे अभी हमने एक मास इस लौकिक पढ़ाई को किया, एक मिनट भी इधर उधर वेस्ट नहीं होने दिया, एक मिनट भी वेस्ट नहीं होने दिया। क्या वैसी पढ़ाई अलौकिक की जा सकती है? और वो ही संकल्प भी किया है कि इस ज्ञान को अच्छे से समझना है, बहुत डीप में जाकर समझना है। ये है क्या? मुरलियों में कितनी बातें आती है, आज ही की मुरली, तुम्हें लवली बनना है, तुम्हें स्वीट बनना है, तुम्हें परफेक्ट बनना है, 3 अलग अलग जगह 3 अलग अलग शब्द है, पढ़ा और भूल गए, और याद भी है परंतु करना क्या है वो नहीं समझ आता है। परफेक्ट बनो कैसे, स्वीट बनो कैसे, सामने अचानक कोई व्यक्ति आता है और कुछ कुछ बोलने लगता है तो कहाँ जाता है स्वीटनेस, कुछ नहीं रहता है। अचानक परिस्थिति आती है, निगेटिव थॉट्स कितना तेजी से चलते हैं, किसी एक आत्मा के बारे में हमारा थोड़ा कम सम्मान किया गया है, थोड़ा कम महत्व दिया गया, हमारे तरफ कम ध्यान दिया गया, प्यार कम दिया गया, अटेंशन कम दिया गया, केयर कम हुई, तुरंत विचार चलने लगते हैं और कितना तेजी से, और फिर बाद में वापस ज्ञान आ जाता है। पर वो तो हो गया ना, समय तो गया। इसका मतलब ज्ञान को हमने धारण ही नहीं किया है। अभी क्या करें? मुरलियों में, आज की मुरली में कैसा वर्णन है, एक बाप की याद में तुम्हें आंसू आ जाना चाहिए, दो बाप की याद में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, तीन ठार हो जाना चाहिए। इन तीनों में से क्या हो रहा है हमको? कुछ भी नहीं। रोमांच ईश्वरीय प्रेम किस तरह का है हमारा? वो एक मीरा थी जो सब लोक लाज भूल गई, कैसा नशा था। हमारा कौन सा नशा है? थोड़े देर के लिए है, क्या करें? हमें लगता है एक एक लाइन, एक एक शब्द और इसके लिए एक बहुत अच्छा मौन, बहुत अच्छा एकांत, बीच बीच में होना चाहिए। कैसे इसको सबकॉन्शियस माइंड में जाने दे, क्या किया जाए? सोचते रहेंगे तो कुछ ना कुछ मार्ग मिलेगा, चिंतन चलता रहेगा। आज की मुरली में और एक चीज है, तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है, तुम्हारी बुद्धि में अलौकिक बातें रमन करती है, तुम न्यारे हो, तुम जैसा कोई नहीं। ये कितनी अद्भुत सी बातें हैं। संसार में लोग क्या कर रहे हैं?
और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या मिला है संसार में। भक्ति हो रही है और उसका कितना भपका है और कितना नशा है उनको। राम राम राम, रग रग में राम समाया है और कितना नशा है। हमें ऐसा नशा है क्या? और क्या हम इतने निर्भय हैं? कल था ना कंट्रास्ट, कंट्रास्ट सुनाओ, ब्रेन वाले, ब्रेन चाहिए इसके लिए। कल की मुरली में था ना, ब्रेन सुनाओ, कंट्रास्ट बताओ। साधना को तीव्र करना है, अव्यक्त मास चालू है, पर ये कोई एक अव्यक्त मास ऐसा नहीं है। हर दिन तपस्या का दिन हो, हर रात तपस्या की रात्रि हो, और धीरे धीरे शरीर से हमारा जो लगाव है, सारा खेल इस शरीर के इर्द गिर्द है। कितने हम इससे ऊपर उठते जा रहे हैं, कितने हमारे स्वप्न शुद्ध होते जा रहे हैं, और कितनी हमारी भावनाएं शुद्ध हो रही है। एक घंटे में हम अपने आप को देखो, आज बोला ना, साक्षी होकर अपने आप की चेकिंग करो, अब मेरी खामियां क्या है, अपने आप को देखो। एक घंटे में ही हम अपने विचार देखेंगे तो कितने मूड स्विंग्स, कितने थॉट स्विंग्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप स्टडी। जो एक्टर्स होते हैं ना, वो कितना स्टडी करते हैं, उनको डायलॉग्स कितना याद रहते हैं। नाटक देखे होंगे आपने, पूरा की पूरा याद रहता है उनको। अगर हमसे कोई पूछे आज की मुरली में बताओ क्या क्या था, 10 बातें बताओ, हम कहेंगे वही आत्मा समझ के बाप को याद करो। हमारे ओपड़ी में माताएं आती है, पांडव भवन में होती है ना सेवा में, तो ओपड़ी में आती है। कभी कभी हम पूछते मुरली पढ़ी क्या, हाँ बोलते हाँ मुरली पढ़ी है, 4 बार पढ़ी, 5 बार पढ़ी, तो 5 पॉइंट सुनाओ। अगर भाई पढ़ा सब है, दूसरों को बताया भी है, बट याद नहीं आता है। 21 जनवरी 1969 की मुरली है, तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा। समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है? समय पर याद आ जाना। अभी अभी परिस्थिति चल रही है, बहुत बिजी चल रहा है, अभी अभी कोई आके हमको बहुत डांट के गया है या कुछ बोला है, या किसी ने आके बताया तुम्हारे बारे में ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं, उस समय क्या चल रहा है। समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है, ये है डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन है, जो गलती एक बार हुई है उसे दोबारा न करना, ये है तीव्र पुरुषार्थ। एक डेफिनेशन और है, जो अब पुरुषार्थ कर रहे हो उसको डबल कर देना हर चीज, ये है तीव्र पुरुषार्थ। सुबह अमृत वेला उठना, योग करना, बाबा से सारे संबंध जोड़ना, विश्व को सकाश देना, फिर एक्सरसाइज करना, फिर मुरली क्लास जाना, फिर मुरली में पॉइंट्स लिखना, फिर मुरली क्लास में थोड़ा डिस्कशन करना, फिर आना, फिर याद में भोजन बनाना, फिर याद में भोजन खाना, फिर दिन भर में बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना, बाबा की याद में सेवा करना, शाम को मुरली या नुआ शाम का योग करना, चार्ट लिखना और सो जाना, इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ।
क्या कहा जाता है इसे? साधारण। और तीव्र अर्थात इसको डबल कर देना या समग्र चेतना से उसको करना, विथ हाइटेंड कॉन्शियसनेस, वही चीज को होश में करना। तो हर दिन नवजागरण का दिन हो, हर दिन नई नई बातें पता चले। बातें वही है पर हमें समझने के लिए टाइम लगता है उसको, इसलिए मुरली क्लास में आना बैठना इसलिए जरूरी है। इसलिए नहीं कि वो बातें जो मुरली में सुनाई जा रही है वो आपको पता नहीं है, सब पता है, पर जैसे यहाँ बैठते हो आप, एक स्थान पर बैठते हो, एकाग्रता से बैठते हो, अचानक एक ही पॉइंट जो हमने 100 बार सुनी है उस दिन अचानक से वो स्ट्राइक होती है, अच्छा ये करना है, ऐसा करना है, जो कि रोज सुन रहे हैं, परंतु हर पॉइंट को समझने का अपना एक टाइम है। जैसे हर आत्मा का ज्ञान में आने का टाइम है, उसी तरह उस ज्ञान को बुद्धि में धारण करने का भी अपना एक टाइम ही होता है। केवल हमें अपने आप को तैयार रखना है, वो कहीं से भी किसी से भी वो पॉइंट आ सकती है। हमें याद है एक बार हमारी जो ओपीडी है उसमें हम लोग रात को बैठ के ज्ञान की डिस्कशन करते हैं कई बार, तो वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ है, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, जो ज्ञान में है वो आते हैं, मुरली के बाद चर्चा चलती है। हॉस्पिटल में एक भाई है, उसे ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, उसकी हॉस्पिटल में जो ड्यूटी है वो यहाँ से फाइल वहाँ देना, वहाँ से यहाँ देना, उसे न पढ़ सकता है ना लिख सकता है, वो ज्ञान में है और कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम ही अनपढ़ इस टाइप का है। तो एक बार एक ज्ञान की पॉइंट्स चल रही थी, कोई डिस्कशन चल रहा था और कुछ पॉइंट आई थी, वो क्या थी मुझे याद नहीं, परंतु अचानक हम सोच रहे थे इसमें और क्या हो सकता है, और अचानक उसने, उस भाई ने एक ऐसी पॉइंट बोल दी जो हमने सोची भी नहीं थी कभी। और उसका कितना अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कम हर चीज का, पर फिर भी उस आत्मा के द्वारा वो ऐसी एक पॉइंट आ गई। इसीलिए जहां जहां ज्ञान की चर्चा होती रहे, जहां जहां योग की भट्टियां चलती रहे, चाहे हमें कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा है, बस जाके बैठ जाना है, अचानक स्ट्राइक होगा। उसी तरह जो क्लासेस भी होती है, हमको लगता है ये भाई क्या क्लास कराएगा, इसको क्या आता है, ये तो अभी अभी ज्ञान में आया, 1 साल से ज्ञान में, ये हमको सिखाएगा क्या, हम यहाँ 30 साल से है, ये हमको क्या सिखाएगा। वो भले 1 साल से है, कोई कन्या है अभी अभी सेंटर पर आई है, कोई कुमार है अभी अभी ज्ञान में आया है, पर हमें क्या पता। जन जन का तपस्वी होगा वो, कैसी तपस्या लेकर शरीर छोड़ा था पता नहीं और फिर अभी आया है। बस इसको पक्का करना है, आत्माएं हैं सब, और हमें सबसे सीखना है, छोटे से बच्चे से भी सीखना है, हर एक हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, सबसे सीखते जाना है और स्टडी करनी है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। जैसे लोग पीजी के लिए या दूसरी परीक्षाओं के लिए अभ्यास करते हैं, वैसे इस मुरली का अध्ययन करना है, इसी में सब कुछ है। हमारे जीवन में अभी आज इस समय, आज दिन भर सुबह से अब तक जो हलचल हुई उसका उत्तर इसमें है, छिपा है, बस ढूंढना है वो कहाँ है, कहीं तो है, इसी में है। पर केवल हमारा मन एकाग्र नहीं है, बुद्धि भटक रही है, इसलिए वो मिल नहीं रहा है। है वहीं, शायद हो सकता है ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। जैसे ही मन एकाग्र हो जाए, बुद्धि एकाग्र हो जाए, वो स्ट्राइक होगा धक से। तो सब स्थिर बैठेंगे,
पेन पेपर पेंसिल सब कुछ नीचे, मोबाइल सब कुछ अलग कर दो। अगले 15 मिनट तक स्थिर हो जाना है, उंगली भी ना हिले, पैर भी ना हिले, जिह्वा भी ना हिले। सबसे पहली साधना शरीर को स्थिर करने की करनी है। रिलैक्स होकर बैठ जाना है परंतु स्थिर। आंखें बंद, स्वयं के अंदर झांक कर देखेंगे, पूरे शरीर में किस तरह की हलचल हो रही है, खुटपुट कुछ न कुछ हो रहा है शरीर में। आते और जाते हुए श्वास को देखेंगे, केवल देखेंगे। अनंत हलचल शरीर में हो रही है, असंख्य क्रियाएं चल रही है, श्वास आ रहा है जा रहा है। कौन हूं मैं और क्या हूं? क्या अस्तित्व है मेरा? क्यों हूँ? कहाँ जा रहा हूँ? क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ? अपने लौकिक घर को अपने सामने लाएंगे, संपूर्ण परिवार को देखेंगे, घर के कमरे, वस्तुएं, घर के लोग, आत्माएं, ऑफिस को देखेंगे, रोज की जो सड़क है जिससे हम आते जाते हैं उसको देखेंगे, कहाँ हूँ मैं और कौन है ये सब, क्या अकाउंट्स हैं मेरे इनके साथ, मेरी दिनचर्या कैसी है सुबह से रात तक, कौन है ये सब लोग जिनके बीच में मैं हूं, अकाल तख्त
पर विराजमान मैं एक दिव्य चेतना हूं इस शरीर में रहते शरीर से उपरा हूं इन आत्माओं के बीच रहते इस घर में रहते इन लोगों के बीच रहते मैं सबसे परे हूं विजुलाइज करेंगे भ्रुकुटी के मध्य सितारा आंखें बंद ही रखे अलौकिक हूं दिव्य हूं मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है मुझे अपने महान लक्ष्य की ओर बढ़ना है इस संसार का कोई व्यक्ति कोई बात कोई परिस्थिति कोई विघ्न मुझे रोक नहीं सकता जन जन दुख भोगा है इस एक जन में मुझे सभी दुखों से पार निकल जाना है मैं आत्मा शरीर से निकलकर जा रही हूं ऊपर इस शरीर से बाहर इस कमरे से बाहर इस शहर से परे इस राज्य से परे इस देश के ऊपर इस खंड के ऊपर इस धरती के ऊपर तत्वों के ऊपर देख रहा हूं एक भव्य सा दरवाजा है श्वेत और उस दरवाजे को मैंने खोला सूक्ष्म वतन सभी आंखें खोलेंगे और सम्मुख अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे सुनना और सुनाना कुछ नहीं केवल दृष्टि बाबा बाबा की अलौकिक दृष्टि मुझ आत्मा पर है अपलक बाबा को निहारते रहो भगवान का वरदानी हस्त सिर पर है विजयी भव सफलता मूर्त भव फिर से आंखें बंद और अपनी आंखों के सामने अपने संपूर्ण जीवन को लाएंगे वो बचपन जहां मैंने जन्म लिया था वो माता पिता वो घर वो गांव वो शहर वो स्कूल वो मित्र वो टीचर्स अपने आप को देखेंगे अपने इस जीवन की यात्रा को वो स्कूल वो कॉलेज
वो अचानक बाबा का मिलना, वो अचानक सेवा केंद्र पर जाना, वो ब्रह्मा कुमारी बहनों से परिचय, वो फर्स्ट मधुबन में जाना, वो मधुबन में प्रवेश, भव्य विशाल सभा, अव्यक्त बाप दादा से मिलन, वो सेवा केंद्र और वो सेवा केंद्र के दिन, वो पहली प्रदर्शनी और पहला कोर्स, वो आनंद, वो खुशी, वो संकल्प जीवन को प्रभु सेवा में अर्पित करने का, और ये समर्पित जीवन किस लक्ष्य से चालू किया था और अब कहां, अपनी सेवाओं को देखेंगे, अपने ब्रह्मचर्य को देखेंगे, अपने अमृत वेले को देखेंगे, मुरली अध्ययन को देखेंगे, पूरे जीवन को देखेंगे, वो बीमारी का समय, वो शरीर की हलचल, असहनीय वेदना, वो हिसाब किताब कैसे चुक चुकी है, और भगवान की आई हुई मदद, शक्ति का अनुभव, सारा जीवन दिखाई दे रहा है। और अब प्रश्न है, अब मैं और क्या करूं? आज से कल से कौन सी नवीनता लाऊं पुरुषार्थ में? फिर से आंखें खोलेंगे और बाबा से पूछो, नेक्स्ट व्हाट, मैं क्या करूं? एक बार अपने ही स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे और खड़े खड़े बाबा से दृष्टि लेंगे। अनुभव करो, भगवान ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, भगवान के महावाक्य गूंज रहे हैं, हल्कापन, सारा स्ट्रेस, टेंशन, भय, बेचैनी, एंजाइटी जैसे किसी ने खींच ली है,
आंखें बंद अनुभव। बाबा एक तुम ही शांत बैठ जाए। लगा